जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर से आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में जो हमने टेस्ट सीरीज की थी, आगे क्वेश्चन सीरीज की थी प्रीवियस ईयर की, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखेंगे। 100 जो 13 नंबर क्वेश्चन है उससे आगे बढ़ेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सीरीज आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों में उन सभी को देख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास हमने 112 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए 113 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने 112 क्वेश्चन तो पिछली क्लास में कर लिए थे, आगे क्वेश्चन को आज करते हैं। किस गेट को उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहा जाता है? किस गेट को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहा कहते हैं, इसके बारे में हमको पूछा है कि किस गेट को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं, ये हमको पूछा है। तो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, तो ये हमको पूछ रखा है कि किस गेट को प्रतिलोमक भी हम क्या कहते हैं कहते हैं। तो हमको पता है दोस्तों कि नॉट गेट जो होता है, नॉट गेट क्या होता है, प्रतिलोमक होता है। इस तरीके से नॉट गेट का क्या बनता है, सिंबल बनता है, ये हमारा क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट का सिंबल में क्या होता है कि नॉट गेट खुद क्या होता है, प्रतिलोमक या उत्क्रमक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोमक या उत्क्रमक भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नॉट गेट क्या कहलाता है, उत्क्रमक या प्रतिलोमक कहलाता है। ठीक है, नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमक कहते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिलिकॉन डायोड अग्रवोल्टता का तापमान गुणांक है, ये दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछा गया डायरेक्ट। ठीक है, एक सिलिकॉन डायोड अग्रवोल्टता का तापमान गुणांक ये हमको पूछा है कितना होता है, इसको हम देख लेते हैं। 2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्लस 1.0 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 1.0 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और -2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जो सिलिकॉन डायोड जो होता है इसका आपको सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, जो सिलिकॉन जो डायोड होता है उसका आपको सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना कितना होगा, तो ये पता है हमको कितना होना चाहिए। तो ये हमको पता है कि माइनस जो होता है, माइनस जो 2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ये आपको क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा घटक यांत्रिक चोट के खिलाफ क्या करता है, केबल की रक्षा करता है। निम्न में से कौन सा घटक जो है यांत्रिक चोट के खिलाफ है, केबल की रक्षा करता है। तो हमको पता है कि कौन सा जो है यांत्रिक चोट, यानी कि हम बोलते हैं ना बाहर से जो केबल में, हमको पता है कि केबल की सुरक्षा करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से, हम उस पर कवर लगाते हैं ताकि इंसुलेशन बढ़ता है, ताकि केबल क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। तो इस कंडीशन में हमको पता है अगर केबल सुरक्षित रखनी है, हमको अगर हमको केबल सुरक्षित रखनी है तो हमको क्या करना चाहिए, सीव करना चाहिए, कवच करना चाहिए, इंसुलेशन करना चाहिए, बेंडिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों सभी आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, बेंडिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, बेंडिंग होगा, क्योंकि बेंडिंग जो होती है केबल की सुरक्षा के लिए की जाती है। क्या की जाती है, केबल की सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेंडिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, बेंडिंग होती है। केबल की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, बेंडिंग करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हुआ है वो 115 हुए। अब जब दोस्तों जब 150 क्वेश्चन के आसपास जब हम कर लेंगे, तो मैंने इस बार क्वेश्चन सीरीज में एक काम किया है, जो भी 2023 में जितने भी टेक्निकल के जो भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो भी टेक्निकल के आईटीआई से थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो चाहे एनएचपीसी जेई हो, चाहे पीजीसीएल हो, ठीक है, पीजीसीएल में अभी वैकेंसी भी आई है जिसका वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, पीजीसीएल में आईटीआई के लिए भी वैकेंसी निकली है। ठीक है, पीजीसीएल है, भेल वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है, उन सभी क्वेश्चनों को, एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों को हम शामिल करेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन के बाद इस वर्ष जो भी क्वेश्चन 2023 में बने, तो आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जब 150 क्वेश्चन हम पार कर लेंगे उसके बाद सारे आपको 2023 जितने भी एग्जामिनेशन हुए उन सभी के अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा यांत्रिक चोट के खिलाफ केबल की रक्षा करता है, तो कौन करता है दोस्तों, बेंडिंग करता है। क्या करता है, बेंडिंग। बेंडिंग जो होती है झूठ वगैरह की हम करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा हुआ था लास्ट कितना हुआ, 115। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 116, क्वेश्चन नंबर हमारा है 116। एक जीनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, एक जीनर जो डायोड होता है उसमें कितने जंक्शन होते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। हमको पता है दोस्तों ये हमारा क्या होता है, डायोड होता है, क्या होता है ये हमारा डायोड होता है। तो डायोड में हम बात करें कितने पीएन जंक्शन की बात पूछ रखी है हमको, डायोड में हमको क्या पूछ रखी है, जंक्शन की बात रखी है। तो हमको पता है दोस्तों जो हमारा जो डायोड होता है, ठीक है, डायोड में हमको पता है कि दो क्षेत्र बनते हैं, पी और एन क्षेत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, पी और एन क्षेत्र डायोड में बनते हैं। पी में हम क्या करते हैं, पी प्रकार अशुद्धि यानी कि त्रिशुद्धि को मिलाते हैं, एन में पंचशुद्धि जो अशुद्धि वो हम मिलाते हैं इसमें। अब हमको पता है कि जीनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन, जंक्शन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, एक होगी। बिना सोचे आपको आंसर करना कितना होगा, एक होगा। जंक्शन की संख्या डायोड में एक ही होती है, कोई सा भी हो, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में जो है, अगर पूछ ले कि पीएन जंक्शन ही होता है सभी डायोड में नॉर्मल, अगर जीनर डायोड है चाहे नॉर्मल डायोड है, ठीक है, तो सभी में जंक्शन की संख्या कितनी होगी, एक होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि ट्रांजिस्टर जंक्शन की संख्या कितनी होगी, तो वो दोस्तों अलग अलग हो सकती है। नॉर्मल डायोड जो होता है बीजेटी, सॉरी जो ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है, उसमें अगर जंक्शन बात करें वो कितनी होती है, दो होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अर्थ तरंग दृष्टकारी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अर्थ तरंग दृष्टकारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर शिखर वोल्टता, एक अर्थ तरंग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है। डीसी तरंग की औसत वोल्टेज हमको पूछ रखी है, औसत जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वो हमको निकालनी है। तो हमको पता है कि दोस्तों शिखर वोल्टता, हम जैसे हमको पूछ ले कि एवरेज वैल्यू कैसे निकाल जाती है, तो जो एवरेज वैल्यू निकाल जाएगी, ठीक है, हमको एवरेज वैल्यू तो वी एवरेज निकालता है, ठीक है, कैसे करता है, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या निकालते हैं हम भाई, 0.637, 0.637 इंटू में जो हमारा वी मैक्स होता है, जो हमारा वी मैक्स होता है वो निकालता है, ठीक है। जब हम 0.637 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमको डायरेक्ट किसमें भाग दे देना है, दो में, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे सीधा हमारे पास कितना आएगा, 12.72 आएगा, कितना आएगा, 12.72। और यही आपको ऑप्शन में दिया हो रहा है, पहला नंबर यही दिया है, तो बच्चों का दिमाग चेक करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, अर्ध तरंग दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, अर्ध तरंग यानी कि हाफ वेव। हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसकी जो ट्रांसफॉर्म की सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो हमको दी 20 वोल्ट। यहाँ पर हमको एवरेज वैल्यू पूछ रखी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जो एवरेज वैल्यू निकालने का सूत्र क्या होता है, 0.637 इंटू वी मैक्स होता है। यहाँ पर हमने जो वैल्यू थी वो रख के गुणा करके इसमें सीधी डायरेक्ट क्या कर देना है आपको, अगर हाफ वेव है तो बटा दो कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3, 6.36 वोल्ट, इसलिए करेक्ट आंसर। जब आप इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12.72 आएगा। लेकिन आपको हाफ वेव के लिए निकालना है, यानी कि बटा दो कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6.236 वो इसलिए करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्त आप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 118 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 118। एक ट्रांजिस्टर में संग्रहित धारा, एक ट्रांजिस्टर में संग्रहित धारा 4.5 मिली एम्पेयर है और आधार धारा 20 μ है, कितनी है दोस्तों, म्यू है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आपको समझ में आए थोड़ा, ठीक है। देखिए, एक ट्रांजिस्टर में जो संग्रहित धारा है वो दोस्तों कितनी है, 4.5 मिली एम्पेयर है और आधार धारा 20 μ दे रखी है दोस्तों। क्वेश्चन इतना अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमको उलझना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमको मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। एम ए का अगर आपको पूछ ले मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर होता है, ठीक है, और म्यू ए का मतलब कितना होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। तो ये तो छोटी सी साधारण बात है, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इसरो पूछा गया था क्वेश्चन कि एक ट्रांजिस्टर में संग्रहित धारा 4.5 मिली एम्पियर, आधार धारा 20 μ, तो आप उत्सर्जक धारा जो है वो कैसे निकालेंगे। तो ये दोस्त हमको पता है कि उत्सर्जक धारा को हम क्या बोलते हैं, अमीटर धारा, क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, एमीटर धारा बोलते हैं। और संग्रही धारा को हम क्या बोलते हैं, संग्रही को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर, क्या बोलते हैं दोस्तों, कलेक्टर करंट, ठीक है। संग्रही धारा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट बोलते हैं। और जो हमारी जो आधार धारा होती है, जो हमारी आधार धारा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, बेस करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस करंट बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना दोस्तों इसमें, अमीटर करंट निकालना, क्या निकालना इसमें,
इसमें हमको क्या निकालना दोस्तों, अमीटर करंट निकालनी। क्या निकालना दोस्तों हमको इसमें, इसमें हमको क्या निकालनी, अमीटर करंट निकालनी। तो अब हम अमीटर करंट निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, आई अमीटर करंट का सूत्र हमको पता है दोस्तों क्या होता है, आई अमीटर करंट बराबर आई बेस प्लस में आई जो हमारी क्या कौन सी करंट है, हमारी जो कलेक्टर करंट है वो होती है, क्या होती है, आई अमीटर। ये क्या है दोस्तों हमारा आई अमीटर है, क्या है दोस्तों हमारी, ये हमारी आई अमीटर करंट है, ठीक है। इसको हम अमीटर क्या बोलते हैं, उत्सर्जक करंट बोलते हैं। तो ये हमारे किसके इक्वल होती है, आई बेस प्लस में आई करंट के ऊपर होती है, ठीक है। आई बेस यानी आई जो बेस धारा है, आधार धारा है और कलेक्टर धारा का योगफल होता है। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन का लेवल हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हार्ड है, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उलझा है आपको। क्या उलझा है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू मिली में दी और माइक्रो एम्पियर में दी है। तो हमको घबराना नहीं है, सीधा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर पहले हमको बेस धारा दी है, ठीक है, 20 माइक्रो एम्पियर दिए। कितनी दिए दोस्तों, 20 माइक्रो एम्पियर दिए, ठीक है। माइक्रो में कितना होता है आपको ये ध्यान रखना है। हमको जो आंसर में ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, एम ए यानी मिली एम्पियर में दिया है। किस में दिया है, मिली एम्पियर, यानी कि हमको यूनिट एक समान करनी पड़ेगी। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको पता है कि जो माइक्रो में होता है कितना होता है, 10 की घात 6, अच्छा, यानी कि हम उतने जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों समझने के लिए बताया मैंने एक बार, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। इसमें अब आपको का एक काम करना है, जो 3 जीरो जो है, ये मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी, ये जो 3 जीरो है इसको आपको बनाए रखना है, बाकी 3 जीरो को हटा देना है, ठीक है। जो 3 जीरो है इनको बनाए रखना है, इसमें कोई नहीं छेड़छाड़ करनी, 3 को बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि मिली एम्पियर में तो आंसर लाना ही है। अब हम क्या करेंगे, 3 को तो बनाए रहने दो, एक जो ये 0 है इसको हम हटा देंगे, ये नहीं डिलीट करना है। अब आपको क्या करना है, इस 2 में किसका भाग देना है, इस 100 का भाग देना है, ठीक है, इनको तो बनाए रखना है, इस 100 का भाग देना है, किसका देना है, इस 100 का देना है, यानी आंसर कितना है, 0.02 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.02 एम्पियर करंट आएगी, ठीक है, कितनी आएगी दोस्तों, 0.02 एम्पियर करंट आएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास कितनी आएगी करंट, 0.02 एम्पियर है, कितनी आएगी दोस्तों, 0.02 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि हमने बटा, जब 2 में बटा 100 का भाग लेंगे तो हमको पता है कितनी आएगी, 0.02 आएगी। और कलेक्टर धारा जो है वो हमको दे रखी है, 4.5 मिली एम्पियर धारा दे रखी है, तो इसको हम, ठीक है, अब हम इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में, इसको अब हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर की अगर बात करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4.52, 4.52, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इसको ऐड करना है। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4.52 मिली एम्पियर, इस भी करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4.52 मिली एम्पियर, इस भी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हमको यूनिट एक समान करनी है। हमने पहले क्या किया, जो हमारी जो बेस धारा थी उसमें माइक्रो एम्पियर था, तो हमको इसमें मिली में चेंज करना है, बट्टे में लगा के, ठीक है, हमको पता माइक्रो में कोई चीज है तो वो चीज क्या कम होगी, यानी बट्टे में हमको क्या लगाना, भाग जो 10 जो उसकी बेस है उसमें, यानी कि हमको 6 के रूप में लिखना है, ठीक है, 6 के रूप में लिखने के बाद में हमको सीधा 3 जो 0 है उनको तो बने ही रखना है, यानी कि मिली में तो रखना ही, उसके अलावा जो बाकी जो 3 बच गए उसमें 1 जीरो हटा के सीधा 2 में 100 का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 0.02, ये हम लेके आ गए। उसके बाद में हमको क्या लगाना है, सीधा 4.5 हमको दे रखा है, कोई परेशानी नहीं, तो ये भी मिली में, ये भी मिली एम्पियर में और ये भी मिली एम्पियर में, तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सीधा हमारा आंसर कितना आ गया, 4.52 इसलिए करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीन फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है, तीन फेज जो हमारे प्रेरण मोटर होती है, थ्री फेज की जो मोटर होती है उसकी स्पीड होती है तुल्यकालिक स्पीड से अधिक, तुल्यकालिक स्पीड से कम, ठीक है, और तुल्यकालिक स्पीड के बराबर घूर्णी चुंबक के फील्ड फ्लक्स के फील्ड की स्पीड के बराबर। तो हमको पता है दोस्तों थ्री फेज जो प्रेरण मोटर होती है इसमें 2 तरह की गति होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है एन एस और एक होती है एन आर। क्या होती है, एक होती है एन एस और एक होती है एन आर। हमको पता है दोस्तों एन एस और एन आर क्या होती है, एन एस और एन आर को हम क्या बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं जो कि स्टेटर की होती है, और एक होती है एन आर।
जो कि होती है रोटर स्पीड। इन दोनों के स्पीड के अंतर को हम क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिप, या इसको हम अंशीय स्लिप भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल स्लिप भी बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम इसको परसेंटेज के रूप में जब लिखते हैं तो इसको प्रतिशत स्लिप भी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो होना जरूरी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि थ्री फेज फैन मोटर की जो स्पीड होती है तुल्यकालिक स्पीड से क्या होगी दोस्तों? हमेशा कम होगी, ठीक है। एनएस जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, एनआर क्या होती है? रोटर की स्पीड होती है। इन दोनों का अंतर हम क्या कहते हैं? अंशीय स्लिप बोलते हैं। उम्मीद दोस्तों समझ में आएगा, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। यूनिवर्सल मोटर चलती है, यूनिवर्सल मोटर चलती है कम स्पार्किंग और डिसअप्लाई पर उस स्पीड से, ठीक है। कम स्पार्किंग और डिसअप्लाई पर उस स्पीड से, और कम स्पार्किंग सब एसी सप्लाई पर उस स्पीड से, एसी और डीसी दोनों पर समान स्पीड से, एसी सप्लाई उस स्पीड से लेकिन शाखाओं पर बिग स्पार्किंग के साथ में। तो हमको पता है दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर जो होती है, यूनिवर्सल मोटर की विशेषता ये होती है कि ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड से चल सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसलिए करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर क्या चलती है? एक समान रूप से, एक समान स्पीड से चलती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है एक समान स्पीड से चलती है। एक समान स्पीड चलने वाला मोटर कौन सी थी? यूनिवर्सल है, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर में हमको ध्यान रखना है यूनिवर्सल मोटर का यूज किस 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 में करता है। तो यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज्यादा यूज ट्रैक्शन के कार्य में करते हैं, हमको पता है, इसलिए इसको डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। इसीलिए इस मोटर को हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड चला सकते हैं। उसके अलावा घरेलू उपयोग में जैसे इसका यूज वैक्यूम क्लीनर वगैरह में करते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, ठीक है, जो हमारी मिक्सी होती है, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है और वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसी, और उसके अलावा जो सिलाई मशीन भी बताते हैं, तो सिलाई मशीन में भी इसी का मोटर का हम यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अनुतेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? निम्न में से कौन एक अनुतेजित, यानी कि इसको अनुतेजित को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अनुतेजित को हम बोलते हैं क्या बोलते दोस्तों? इसको हम बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन एक्साइटेड। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन एक्साइटेड। इनमें से कौन एक अनुतेजी यानी नॉन एक्साइटेड एकल कला यानी कि सिंगल फेज की क्या है? सिंक्रोनस मोटर है। सिंगल फेज की क्या है दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर है। तुल्यकालिक मोटर को हम क्या बोलते दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। तो इनमें से कौन एक अनुतेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? तो कौन सी दोस्तों? ये हमको ध्यान रखनी है कि नॉन एक्साइटेड जो सिंगल फेज की जो सिंक्रोनस मोटर है कौन सी है? तो ये हमको ध्यान रखनी है। कौन सी दोस्तों? रिलक्टेंस मोटर होती है। कौन सी होती है? रिलक्टेंस जो मोटर होती है हमारी नॉन एक्साइटेड एकल कला तुल्यकालिक मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता या कमी कहलाती है। एक निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता या कमी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एक निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता या कमी की क्या कहलाती है दोस्तों? आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता या कमी ही क्या कहलाती है दोस्तों? आवेश कहलाती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम केवीएल और केसीएल कब लागू नहीं होता है? ओम का नियम और केवीएल केसीएल कब लागू? केवीएल का मतलब दोस्तों सभी को पता है, केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है और केसीएल यानी किरचॉफ का करंट लॉ होता है। ओम के नियम अनुसार वोल्टेज समानुपाती क्या होता है? आई होता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है। तो केवीएल केसीएल कब लागू नहीं होता? तो अब ये तो सभी को पता है कि ओम का नियम और किरचॉफ का नियम लागू किस पर होता है, सभी को पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों का नियम जो है डीसी सर्किट पर लगता है। लेकिन यहाँ पर डीसी सर्किट दिया नहीं, यहाँ पर निम्न आवर्ती और उच्च आवर्ती दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीसी में कोई आवर्ती नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोई आवर्ती नहीं होती है। तो ओम का नियम केवीएल और केसीएल कब लागू नहीं होता? निम्न आवर्ती पर, सॉरी, निम्न आवर्ती पर तो लागू होता है, लेकिन जो होता है उच्च आवर्ती जो होता है एसी, ठीक है, केवीएल और केसीएल लागू कब नहीं होता? एसी पर नहीं होता, क्योंकि उच्च आवर्ती एसी की होती है, कितनी होती है? 50 हर्ज होती है, लेकिन डीसी की 0 हर्ज होती है। तो 0 हर्ज पर तो दोस्तों कार्य करता ही है, 0 हर्ज जो होता है उस पर तो कार्य करता ही है, लेकिन 50 हर्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है यानी उच्च आवर्ती पर ये ओम का नियम होते हैं जो केसीएल केवीएल है वो लागू नहीं होता, ठीक है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हमको यहाँ पर क्या दिया? सीधा
जो हमको पता है कि डीसी पर लागू होता है, लागू तो होता किस पर नहीं, एसी पर नहीं, उच्च आवृत्ति पर लागू नहीं होता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग प्रयोग की क्यों की जाती है? एक डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि हमको पूछ रखा है। लैप वाइंडिंग और वे वाइंडिंग, दोस्तों डीसी जो जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, सभी को पता है। एक करते हैं लैप और दूसरी करते हैं वेव वाइंडिंग। क्या करते हैं? एक तो करते हैं लैप और दूसरी करते हैं हम वेव, ठीक है। लैप होती है और एक होती है वेव। अब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का जब हम अंतर देखते हैं, जब हम क्या देखते हैं, लैप और वेव का अंतर जब देखते हैं, तो हमको पता है दोस्तों लैप में क्या होता है कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, ऊपर इस तरीके से लैप वाइंडिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ढेरोपी होती है, एक वाइंडिंग बन गई, ठीक है, और इसके ऊपर एक वाइंडिंग और बन गई। तो इस तरीके से वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ी भी रहती है, क्या रहती है, चढ़ी रहती है। और वेव वाइंडिंग में क्या होती है, इस तरीके से तरंग जो कुंडली जो होती है इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि आगे की तरफ बढ़ती थी। इसलिए वेव वाइंडिंग को हम कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, इसीलिए जो वेव वाइंडिंग होती है उसको हम किस नाम जानते हैं, तो वेव वाइंडिंग हमको पता है किस नाम से होती है। तो वेव वाइंडिंग को हम किस नाम जानते हैं, तो ये हमको पता है, वेव वाइंडिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों हम वेव वाइंडिंग को, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों हम इसको, वेव को हम क्या बोलते दोस्तों, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। वेव वाइंडिंग को हम सीरीज नाम से जानते हैं, ठीक है। और लैप वाइंडिंग को हम किस नाम जानते हैं, समांतर वाइंडिंग से जानते हैं। किस नाम जानते दोस्तों, समांतर वाइंडिंग से जानते हैं, ठीक है। लैप वाइंडिंग को हम जो बोलते हैं समांतर वाइंडिंग बोलते हैं और वेव को सीरीज बोलते हैं। अब आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, लेप और वेव में कंफ्यूज नहीं होना। वेव वाइंडिंग जो होती है सीरीज वाइंडिंग होती है, तो इसमें हमको पता है प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कम धारा वाली मशीनों के लिए प्रयोग होगी। किसके लिए होगी, कम धारा वाली मशीनों के लिए प्रयोग होगी और अधिक वोल्टेज के लिए, अधिक जो होता है वोल्टेज के लिए, किसके लिए होगी, अधिक वोल्टेज के लिए। यानी वेव वाइंडिंग जो होती है सीरीज वाइंडिंग कहता है, कम धारा और अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग होगी। लैप वाइंडिंग जो होती है समांतर वाइंडिंग कहता है, ये जो होती है अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है। अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है, किसके लिए होती है, अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए होती है। तो लैप वाइंडिंग जो होती है उसको हम समांतर वाइंडिंग बोलते हैं, और अधिक जो होती है, अधिक की अगर बात करें, अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं दोस्तों, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग हमको पूछ रखी है, तो लैप वाइंडिंग किसके लिए करते हैं, तो निम्न वोल्टेज और उच्च धारा, यानी कि अधिक धारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग हम किसके लिए करते हैं, निम्न वोल्टेज उच्च धारा। अगर हमको पूछ ले वेव वाइंडिंग को क्या करते हैं, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग हम क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। ये कम धारा और अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की जाती है। तो मैंने दोस्तों इसमें लैप का भी बता दिया और वेव का भी, ताकि आपका जो आपका पढ़ा है आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको साथ। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डीसी मशीनों में चुंबकन अवशिष्ट, किसी डीसी मशीनों में चुंबकन अवशिष्ट कितना परसेंट होता है, किसी डीसी मशीनों में चुंबकन अवशिष्ट की मात्रा पूछिए हमको कितने परसेंट तक होती है, 2 से 3% और उसके अलावा, 2 से 3% दिया है, और 2 से 3%, 10 से 15%, 20 से 25%, 50 से 75%। तो हमको दोस्तों पूछा क्या था क्वेश्चन में, इसको दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा क्या था कि चुंबकन अवशिष्ट की मात्रा पूछिए हमको, चुंबकन अवशिष्ट की मात्रा, यानी कि जो रेजिडुअल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमको पूछ रखा है, ठीक है। रेजिडुअल यानी कि अवशिष्ट जो चुंबक तो होता है उसकी मात्रा डीसी मशीन पूछ रखी है। तो ये आपको सीधा दोस्तों ध्यान रखना है, 2 से 3% होती है अवशिष्ट चुंबक तो, अवशिष्ट चुंबक तो की मात्रा डीसी मशीन में कितनी होती है, 2 से 3% होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। किसी डीसी मोटर में लोहा हानि किस में होता है, डीसी मोटर जो होती है उसमें लोहा हानि किस में होता है, तो डीसी मोटर में लोहा हानि किस में होगा, क्षेत्र में होगा, आर्मेचर में होगा, ब्रश में होगा या दिक परिवर्तक में होता है। तो हमको पता है दोस्तों जो लोहा हानि जो होता है किस में होता है दोस्तों, आर्मेचर में होता है। किस में होता है दोस्तों, लोहा हानि जो होती है किस में होता है, आर्मेचर में। लोहा हानि जो अगर बात करें, लोहा हानि हमारे किस में होता है, आर्मेचर में होता है। किस में होता है दोस्तों, आर्मेचर में लोहा हानि पाया जाता है, ठीक है।
क्योंकि हम जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में उसमें हम क्या करते हैं, उसको लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, लोहा हानि से बचने के लिए। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले तो क्या करते हैं, लोहा हानि उसमें दो तरह की होती है, आपको पता है। लोहा हानि की अगर हम बात करें, दो तरह की हानि पाई जाती है लोहा हानि में भी, एक तो हिस्टेरेसिस और एडी। इन हानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड करते हैं। किससे, लोहा हानि से बचने के लिए सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, लेमिनेटेड करता है, ठीक है। तो लोहा हानि जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है दोस्तों, आर्मेचर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आर्मेचर में। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मशीनों में होकिंसन की जांच की जाती है, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। होकिंसन एक टेस्ट होता है डीसी मशीनों के लिए, क्या है ये दोस्तों क्वेश्चन, वैसे तो डिप्लोमा लेवल का है, आईटी लेवल का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन डीएमआरसी वगैरह के जो अदर जो एग्जामिनेशन है, जो भी अगर बात किया जाए, एएलपी हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो ये जब एजेंसी कोई भी कंडक्ट कराती है, तो वो साथ में आपके इंजीनियरिंग लेवल का भी एग्जामिनेशन लेती है, तो काफी चांसेस रहता है कि वो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चनों को भी शामिल करे। तो हमको इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हमको ज्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं कि हमको डिप्लोमा लेवल का ज्यादा ही पढ़ना है, नहीं, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बन सकता है उनको थोड़ा बहुत पढ़ते हुए साथ में चलना, ताकि तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को शामिल किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के समय, ये जो क्वेश्चन है ये डीएमआरसी में पूछा गया था कि होकिंसन टेस्ट डीसी मशीनों में कब किया जाता है, ठीक है। तो एक बात तो आपको ध्यान है कि होकिंसन जो टेस्ट होता है किसमें किया जाता है दोस्तों, डीसी मशीन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, डीसी मशीन में किया जाता है। तो होकिंसन टेस्ट पूछ ले आपको किस पे किया जाता है, तो ये आपको किया था डीसी मशीन में किया जाता है। और अगर पूछ ले कब किया जाता है, तो ये किया जाता है पूर्ण लोड पर, फुल लोड पर जो होता है होकिंसन टेस्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सीधा टेस्ट ध्यान रखना है कि होकिंसन टेस्ट किस पे किया जाता है, तो पूर्ण लोड पर किया जाता है। अगली बार कभी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको एक काम करूंगा, एक अलग से हम चार्ट बनाकर जो अलग अलग तरह के जो टेस्ट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर नॉर्मल तो टेस्ट हमको पता है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन सर्किट, वो हमको टेस्ट पता है। उसके अलावा भी उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो भी दोनों की कंपेरिजन करते हैं, डीसी मशीन में और ट्रांसफार्मर के दोनों की कंपेरिजन करते हुए अलग अलग तरह के टेस्ट सारे उसमें लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से टेस्ट किस इसमें किया जाता है। और उसके अलावा जो अगर हम बात करें कि अलग अलग तरह के जो मीटर होते हैं, जैसे हमने नाम नहीं सुन रखे लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, वो लेवल क्वेश्चन तो डिप्लोमा का होता है लेकिन पूछ लेते हैं, क्योंकि साथ में जब वो इंजीनियरिंग लेवल का पेपर बनाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो होता है वो इंजीनियरिंग को भी लेता है और आईटी वालों को भी लेता है, तो काफी सम्मान रहता है कि वो थोड़े बहुत इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चनों को भी शामिल करता है, तो थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ना है। तो अलग अलग तरह के जो ब्रिज वगैरह मैंने बताए थे, जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैक्सवेल ब्रिज बताए थे मैंने, ठीक है, तो उन ब्रिजों की एक अलग से सारणी बना लें कि भाई किस ब्रिज का किसमें किया जाता है, फेयरिंग ब्रिज का किसमें किया जाता है, तो उन सब की सारणी बनाते एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डीसी मशीन होकिंसन टेस्ट की बात हो रही थी, तो डीसी मशीन जो होकिंसन जो टेस्ट होता है वो फुल लोड पर किया जाता है। किस पर किया जाता है दोस्तों, फुल लोड पर किया जाता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त ट्रांसफार्मर के समांतर कार्य की नहीं है, समांतर कार्य का मतलब होता है पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन की नहीं है, ये आपको पूछ रखी है। ट्रांसफार्मर की एमवीए रेटिंग क्या होनी चाहिए, समान नहीं, इक्वल होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर का विभव रेशो जो है, वोल्टेज जो रेशो है, विभव अनुपात, वो समान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की प्रतिशत प्रति बाधा समान होनी चाहिए, यानी परसेंटेज जो इम्पीडेंस वो समान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए सभी बताए। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो एमवीए रेटिंग समान होनी चाहिए, तो ये समांतर प्रचालन की क्या नहीं है, शर्त नहीं है, ठीक है। एमवीए रेटिंग समान होने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वोल्टेज रेशो है उसके अलावा प्रतिशत जो प्रतिबाधा है और ध्रुवता है वो सारी समान होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एमवीए रेटिंग समान होना, तो ये ज्यादा समांतर कार्य की प्रचार, अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें तो इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन यही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बाकी जो है, बाकी का आपको ध्यान रखना है कि पैरल जो है शर्त ये सारे होते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में लीकेज जो फ्लक्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लीकेज फ्लक्स की बात करें तो आरोपित वोल्टेज आवर्ती पर लोड धारा पर अन्योन्य फ्लक्स पर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दोस्तों ये करता है लोड धारा पर। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज जो फ्लक्स डिपेंड करता है, फ्लक्स जो डिपेंड करता है किस पर करता है, लोड धारा पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज जो फ्लक्स होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड धारा पर निर्भर करेगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन प्रकट करती है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो जो एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा गया था। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रकट करती, क्या करती है प्रकट,
गति में कमी, गति में वृद्धि, लघु परिपथ या खुला परिपथ। तो दोस्त इसका आंसर क्या होना चाहिए? आर्मेचर रिएक्शन जो होती है प्रकट, क्या प्रकट करे? गति में जो वृद्धि होती है, गति में जो वृद्धि होती है वो आर्मेचर रिएक्शन प्रकट करती है। गति में जो वृद्धि होती है वो क्या करती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रकट करती है। गति में वृद्धि क्या करती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रकट करती है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं हम। एक सचल विद्युत ब्लोअर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों रेलवे का एग्जाम सुनवा था अभी 2014, उसमें पूछा गया था कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में किस प्रकार मोटर प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अभी के कोई ना कोई एग्जाम से तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो विद्युत ब्लोअर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होगी? तो ये सभी को पता है कि विद्युत ब्लोअर में मोटर कौन सी का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत ब्लोअर में जो प्रयुक्त मोटर होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? इसको आपको ध्यान रखना है, जो धारित्र चल मोटर होती है यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर होती है उसका हम यूज करते हैं। किसका करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज करते हैं। विद्युत ब्लोअर की बात हो रही है, विद्युत ब्लोअर में किसका प्रयोग करता है? धारित्र चल मोटर का प्रयोग करता है, ठीक है, धारित्र चल मोटर का यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं, ब्लोअर की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्य थे, इसका घूर्णन करने वाला होगा क्या होगा? आर्मेचर, फील्ड, सेलेन पकड़ रोटर सहित, फील्ड बेलन पकड़ रोटर सहित, आर्मेचर रोटर। यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेटर की विशेषता देखिए कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्य करता है, तो क्या चीज होगी ये हमको पूछ रहा है। बड़े व्यास किसका होता है? तो ये हमको पता होना चाहिए कि बड़े व्यास कौन सा होता है, किस टाइप का जो होता है वो बड़े टाइप का होता है। तो ये पता है हमको, पता है कि दोस्तों सेलियन प्रकार का जो रोटर होता है, जो दोस्तों सेलियन प्रकार का रोटर होता है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पता है कि हमको इस तरीके से यहाँ पर रोटर होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से ये जुड़ा रहता है। तो बड़े व्यास और अल्टरनेटर कम घूर्णन गति प्रकार, तो इसका घूर्णन करने और भाग क्या होगा ये हमको पूछा है। तो बड़े व्यास और अल्टरनेटर कम घूर्णन गति प्रकार, तो इसका घूर्णन करने और भाग कौन सा होगा ये हमको पता है कि ये दोस्तों इस तरीके से संरचना बनती है। और इस तरह के जो रोटर की बात करते हैं तो आपको याद आ ही होगा, इस तरह के रोटर को क्या बोलते हैं हम? सेलेंट पोल रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेंट पोल रोटर बोलते हैं। सेलेंट पोल रोटर का जो व्यास होता है, जो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है और कम घूर्णन गति कार्य करता है। तो इसका घूर्णन करने वाला क्या होगा ये हमको पूछा है, जो रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा? इसका दोस्तों आंसर क्या, बात करें तो इसका फील्ड सेलियन प्रकार के रोटर सहित होगा, ठीक है, यानी आपको ये पूछ रखा है किस प्रकार का रोटर, किस रचना आपको बता रखी है कि इसका व्यास अधिक होगा और कम घूर्णन गति पर कार्य करेगा। तो ये अल्टरनेटर कौन सा होगा दोस्तों? सेलियन प्रकार का रोटर होगा। कौन सा होगा? सेलियन प्रकार रोटर होगा और उस पर फील्ड वाइंडिंग की जाएगी। तो सीधा सा इतना ही पूछा है आपको। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 133, किसी अल्टरनेटर का, ये दोस्तों पूछा गया था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? रोटर की घूर्णन गति पर, अल्टरनेटर की उत्तेजना पर, प्राइमरी इनपुट पर, आउटपुट में संयोजित लोड पर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर जो होता है वो आउटपुट पर संयोजित लोड पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमको पता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में अलग अलग तरह की लोड होने पर उसका पावर फैक्टर भी अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर में तीन तरह के लोड आपको पता ही होता है, लीडिंग होता है, ठीक है, और एक लेगिंग होता है, ठीक है, लेगिंग और लीडिंग होगा। लीडिंग कब होगा? जब इसमें कैपेसिटिव जब लोड लगता है, कैपेसिटिव जो लोड लगता है तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर बढ़ जाता है हमेशा, ठीक है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कब बढ़ता है? जब इसमें कैपेसिटिव लोड जुड़ा होता है, और जब कोई मोटर वगैरह जब इसमें जुड़ती है तो इसमें लेगिंग पावर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड होने पर हमारा अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या होगा? लेगिंग हो जाता है। और कैपेसिटिव लोड लगने पर हमारा अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या होगा? लीड हो जाता है। तो अल्टरनेट पावर फैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर अल्टरनेटर पावर फैक्टर जो होता है आउटपुट में से जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लोड पर ही डिपेंड करता है पावर फैक्टर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मूलतः कहाँ होता है? ये हमको पूछ रखा है। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका प्रभाव मूलतः होगा कहाँ पर, ये हमको पूछ रखा है। तो उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर होता है।
दोस्तों डिसीजनेटर जब आप पढ़े तो डिसीजनेटर में दोस्तों आपको आर्मेचर रिएक्शन अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो तो बन ही जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन कोई ना कोई डीसी मोटर से रिलेटेड पूछ लेगा या डिसीजनेटर से पूछ लेगा, क्योंकि डिसीजनेटर डीसी मोटर जो तो एक रूप से डीसी मशीन ही है। तो इसमें आपको आर्मेचर रिएक्शन क्वेश्चन कम से कम एक तो देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक हमने जो किया उसमें दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन आपको ढंग से पढ़ के देना, आर्मेचर रिएक्शन में कोई ना कोई आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्मेचर रिएक्शन होती कहां पर है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या होता है, तो ये सभी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसका प्रभाव कहां पे होगा, तो ये आर्मेचर पर होता है पहली बात तो, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर पर पड़ने वाला रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, और आर्मेचर घूर्णन गति पर इसका प्रभाव होता है। और ये मैंने बताया आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या होता है, उसकी घूर्णन गति बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि उसका जो होता है विचुंबकन प्रभाव भी बढ़ा देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जीएनए जो है और एमएनएस से वो खिसक जाता है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन के सारे प्रभाव होते हैं। तो आपको आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र क्या हो एक ही हो तो उससे क्या कहा जाएगा। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र क्या हो एक ही हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग, सन्निकट वाइंडिंग या स्किन वाइंडिंग, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे। तो सकेंद्रीय वाइंडिंग होती है सभी कुंडलियों का दोस्तों केंद्र एक ही बताइए, यानी सकेंद्रीय, यानी किस तरीके से वाइंडिंग इस सभी का केंद्र क्या हो एक ही होगा, ठीक है। तो इस तरह की वाइंडिंग हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज दोस्तों 135 हुई, आगे जब 150 क्वेश्चन सीरीज पहुंच जाएगी उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी यानी कि 2023 के भी जो क्वेश्चन आए वो सभी मैंने क्वेश्चन इस बार सीरीज में शामिल किए, तो आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी, ठीक है। तो आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।